उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में भीषण आग लगने के बाद चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर सरकारी विभाग से होटल लेवाना को मालिकों को एनओसी कैसे मिली, जबकि होटल कई मापदंड पर खड़े नहीं उतर रहे थे। ऐसे में हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने पूर्व फायर सेफ्टी ऑफिसर से ये जानने की कोशिश की कि आखिर वह कौन कौन से मुख्य मापदंड हैं जिसके बाद होटल संचालित करने की अनुमति मिलती है। होटल ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे तो ये लोग तथ्य छिपाकर एनओसी प्राप्त कर लेते हैं। एनओसी प्राप्त करना ठीक है, उनके संचालन के लिए आवश्यक तो है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। उद्देश्य जीव रक्षा होना चाहिए। अब किसी भी कीमत पर अगर उन्होंने तथ्यों को छिपाया, जैसे सेटबैक जो होता है 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग होना अनिवार्य है, एंड दैट शुड बी ओपन अप टू स्काई, यानी बीच में कोई अवरोध ना हो ताकि फायर सर्विस का वाहन उसके बाउंड्री के अंदर एक तरफ से घुसे और दूसरे तरफ से निकल जाए। इस व्यवस्था के होने पर कैजुअल्टी होने के चांसेस कम होते हैं। दुर्भाग्य से सेटबैक का अतिक्रमण 99% है और अब फायर सर्विस का वाहन अगर अंदर घुस ही नहीं पाएगा तो काम कैसे कर पाएगा, जैसा कि लेवाना में भी हुआ। पीछे किस तरह जाके बहुत देर में 7:30 बजे आग लगी और 11 बजे तक चला रेस्क्यू, उसके बाद भी चला नहीं, और देर तक चला, काफी देर चला। 11 बजे हमें लगता है ये क्लियर हुआ कि चार लोग ज्यादा डैमेज हो गए हैं, चलने को तो 8 घंटे के आसपास चला। तो इतने छोटे से होटल में इतने देर का मतलब ये है कि उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। तो एक्सेस नहीं मिला तो ये कंस्ट्रक्शनल अगर डिफेक्ट था तो भी देखा जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण अध्यादेश 2005 के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। फायर सर्विस को ये पावर है, कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर उन्होंने तथ्य छिपाया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। एनओसी लेना एनओसी देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। और इस तरह से अभी एसएसजे इंटरनेशनल में भी आग लगी थी, 4 बाग में 8 लोग मरे, प्रतापगढ़ में 1 दर्जन लोग मरे। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या पॉइंट्स हैं आपके हिसाब से? पलायन मार्ग होता है क्या, उसका वो चीज फॉलो हो रही है, और क्या होता है पलायन मार्ग, किस तरह से लोग निकल सकते हैं, सीढ़ियों वाला जो कॉन्सेप्ट है कितना गैप होना चाहिए? अल्टरनेट रूट ऑफ एस्केप अगर है तो ये लगभग तय है कि आदमी ठीक है, ये घटनाएं रुक तो नहीं सकती लेकिन इससे जीव रक्षा हो सकती है। अल्टरनेट रूट ऑफ एस्केप हर 15 मीटर से ऊंचे भवन में अनिवार्य है और वो हरदम क्लियर होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, और उसमें एग्जिट का साइन ऑटो ग्लो में लगा होना चाहिए। उस पर जो सीढ़ियां हो वो उसकी चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर हो, स्टेप जिस पे रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर से कम चौड़ा ना हो, राइजर जो होगा वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचा ना हो। इस तरह के मानक को देखते हुए 10 स्टेप के बाद एक रेस्ट आना चाहिए। ये सब कंस्ट्रक्शनल जो चीजें हैं जिसमें सबसे पहले आता है भवन की हाइट के सापेक्ष सेटबैक, पहुंच मार्ग, सीढ़ी, फर्श से छत की ऊंचाई, कोई भी जीना ऐसा ना हो जो थ्रू एंड थ्रू बेसमेंट में चला जाए, यानी ऊपरी तलों से आने वाली सीढ़ी ग्राउंड तल पर टर्मिनेट हो और फिर कहीं और से बेसमेंट में जाए। बेसमेंट में अल्टरनेट रूट ऑफ एस्केप जरूरी हो, यानी प्रवेश और निकास एक ही ना हो। नियमों को जानने के बाद जब हमारे सहयोगी लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाके चारबाग पहुंचे, वहां एक के बाद एक अगल बगल होटल्स खड़े नजर आए, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत से कई अवैध रूप से होटल चलते मिले, जिन्हें देखकर साफ लग रहा है कि ये होटल्स मानकों पर खड़े नहीं उतर रहे। देखिए समर श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। यूपी तक आ पहुंचा है लखनऊ के चारबाग इलाके में, जिसमें जहां पर अगर आप एक बार कहीं बीच रोड पर खड़े हों और एक बार नजर घुमाएं चारों तरफ तो आपको केवल और केवल कंजेस्टेड होटल्स ही नजर आएंगे। ये होटल्स ऐसे बने हैं कि जैसे चाय और पानी की दुकान हो, एक के बगल में एक, एक के बाद एक। आप पहले मेरे साथ इधर से देखेंगे एक व्यू, मैक्स कैमरा में संजय दिखाएंगे, ये देखिए सामने अमित लॉज,
होटल मेट्रो व्यू, होटल मेट्रो व्यू और ये एक और होटल, और इसके अगल बगल कोई स्पेस नहीं छोड़ी गई है। रेसिडेंशियल एरिया प्रतीत होता है, सेटबैक एरिया जैसा कि सीएफओज ने बताया कि जो मस्ट है वो यहाँ पर एकदम जीरो नजर आता है। अब आप मेरे साथ चलिए जरा यहाँ पे, अब आप मेरे साथ साथ जैसे चल रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइन से देखेंगे कि एक के बाद एक होटल्स लाइन से लगे हुए हैं। इसमें कई होटल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर अनेकों अग्निकांड हुए हैं, और ये देखिए श्री श्याम लॉज, नूर लॉज, और आपको तमाम जिस तरह से आप मेरे साथ आएंगे आपको एक के बाद एक झड़ी नजर आएगी जहाँ के अगल और बगल स्पेस नहीं होगी, और तमाम चीजें आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे, जी बताइए, कोई नहीं, हमको दिक्कत कभी खाने की दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए होटल सुषमा, होटल मेघा, फ्यूरोर, होटल प्लाजा, न्यू शर्मा होटल, और तमाम होटल्स यहाँ पर लगे हैं। तमाम होटल्स आप देखेंगे यहाँ पर लगे हैं, और जैसे जैसे आप और आगे चलते हैं आपको तमाम जहाँ पर आपको सेटबैक एरिया एकदम जीरो नजर आता है, कोई सेटबैक एरिया नहीं है, अगल बगल स्पेस भी नहीं है, यहाँ पर क्या फायर इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ अगर इस तरह की नौबत आती है तो आप अंदाजा लगाइए फायर ब्रिगेड की गाड़ी किस तरह से आएगी। मान लीजिए इस रास्ते से आती भी है तो क्या, अगर इस होटल के पिछले हिस्से में अगर आग लगती है तो कैसे वहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचेंगी, ये जरूर एक सवाल है कि आखिर ये होटल्स जो हैं वो किस तरह से बने हैं और किस तरह से यहाँ पर टीम्स जा रही हैं। तो ये तस्वीर आप देखेंगे। इंस्पेक्शन चल रहा है क्या बॉस? इंस्पेक्शन चल रहा है, चेकिंग चल रही है, क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ तो सब इलीगली लग रहा है बने हुए, अगल बगल सब सेटबैक एरिया भी जीरो है। अब ऐसा है कि ये सब तो LDA लखनऊ प्राधिकरण ही बताएगा। अच्छा, NOC है, आप लोगों ने चेक किया है कुछ? NOC के अब ये सब सारे पेपर आप लोगों के पास जो भी है तो वो अपना LDO आए पीछे चेक कर रहे हैं। आप पीछे होटल जाएंगे तो प्रदूषण वाले और टीम है चेक कर रहे हैं, LDA की टीम है। हाँ, हम लोग केवल जो भी मेन बाहरी है वो चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट है इनके पास? हाँ, वो फायर ब्रिगेड, फायर वाली मशीन है, कैमरे हैं, ये सब चीजें, और अन्य विभागों की टीम पीछे चेक कर रही है, चेक कर रही है। तो देखिए ये जो पीछे होटल्स आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो LDA की टीम्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से चेक, क्योंकि लेवाना में एक बड़ी घटना हो गई है इसलिए सब जो आला कमान है वो जाग उठी है, समझना चाहती है कि आखिर लखनऊ में वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पर चेकिंग चल रही है, जहाँ पर जो है चीज़ें पुख्ता नहीं है। ये देखिए सामने होटल, आप यहाँ भी आपको मैं वही सेम तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर तमाम तरीके के इंतजाम की कमी है। बाहर जरूर फायर एक्सटिंग्विशर आपको हर जगह नजर आएगा लगा हुआ, कि हर होटल के बाहर आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगा नजर आएगा, पर जब आप तहकीकात करेंगे, अंदर पड़ताल करेंगे, समझेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अंदर आपको दिखाए भी कई रियलिटी चेक्स होटल से, तो समझ में यही आता है कि कमी है और ज़्यादा कमी है। ना सेटबैक एरिया है, ना सीढ़ियों का आकलन सही है, ना डोर का एग्जिट पॉइंट क्लियरली है, ना पलायन मार्क सही है। तो ऐसे में क्या लखनऊ एक और अनहोनी का इंतज़ार कर रहा है? ये सवाल है जिसका जवाब शायद वो आला कमान दे पाएगी जो सालों साल से होती है और जगती तब है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और मौतें। कैमरामैन संजय के साथ समझ श्रीवास्तव, UP तक के लिए।